ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोकसभा चुनावों में हिमाचल में करारी हार के बाद कांग्रेस ने नए सिरे से पार्टी को मजबूत करने के लिए कमर कस ली है, जिसके चलते ही गत दिनों नियुक्त किए गए पर्यवेक्षक फील्ड में जाकर डट गए हैं। हमीरपुर में पहुंचे नए पर्यवेक्षक संजीव कुटियाला ने ब्लॉक हमीरपुर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने के साथ टिप्स भी दिए हैं। हमीरपुर में कमजोर हुई कांग्रेस में संजीवनी बनने के लिए पर्यवेक्षक संजीव कुटियाला ने बूथों को मजबूत करने की बात कही है, तो साथ ही धारा 370 की आड़ में प्रदेश सरकार पर भी धारा 118 से छेड़छाड़ करने पर खरी खोटी सुनाई है। हमीरपुर ब्लॉक कांग्रेस के पर्यवेक्षक संजीव कुटियाला ने कहा कि कांग्रेस को बूथ स्तर पर मजबूत करने की जरूरत है। वहीं महिलाओं को सक्रिय रूप से संगठन से जोड़ने पर भी महिला कांग्रेस को विशेष दिशा निर्देश दिए जाएंगे। इसके लिए आगामी दिनों में विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे सभी बूथों पर जाकर बैठकों का आयोजन करेंगे तथा उन्हें प्रदेश कांग्रेस की ओर से पहचान पत्र प्रदान किए जाएंगे। बूथ के पदाधिकारियों को प्रदेश संगठन से सीधे तौर पर जोड़ा जाएगा। हमीरपुर ब्लॉक कांग्रेस की बैठक शुक्रवार को हमीरपुर में ब्लॉक अध्यक्ष सुनील कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें संगठन पर विस्तार से चर्चा की गई। कुटियाला ने बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए बरियस्तक प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आगे बढ़ रही है तथा इसके लिए सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है, जिससे संगठन की कमियों को दूर किया जा सके। जो है वो काम किया जा रहा है। आज जब मैं लोगों से मिला, उन्होंने सबने अपनी अपनी राय रखी। कोई पार्टी के कार्य से संतुष्ट है, कोई असंतुष्ट भी है, लेकिन उन सभी को साथ लेकर चलना हमारा मकसद है। सबको साथ लेकर, साथ जो सब लोगों का कहना है, जो उनके कहे मुताबिक, क्योंकि काम यहाँ पर जो है वो उन्होंने करना है। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हम थोड़ा सा जो देखने में आया है कि हमारे जो बूथ हैं, बूथ मैनेजमेंट में थोड़ा कांग्रेस पिछड़। मेरा जो अगला स्टेप होगा, अगला कार्यक्रम होगा, मेरा ये होगा कि जो हमारी ब्लॉक की कमेटी है, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, ब्लॉक के जो बाकी ऑफिस बिल्डर्स हैं, इनको साथ लेकर मैं जल्दी एक कार्यक्रम बनाऊंगा और यहाँ पर आकर इनके साथ जो यहाँ पर हमीरपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के 93 बूथ हैं, उन 93 के 93 बूथों पर बैठक आयोजित की जाएगी। उन बैठक में जो है हम हर बूथ से लगभग 4 से 5 आदमी जो है वो बूथ पर निकालेंगे और उन जो बूथ के जो कार्यकर्ता हम बूथों पर निकालेंगे उनको बकायदा जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो है आई कार्ड इशू किया जाएगा। क्योंकि अक्सर देखने में आया है कि जो तो बड़ा नेता है, डिस्ट्रिक्ट प्रधान हो गए, डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस बेरर हो गए, ब्लॉक के लोग हो गए, उन लोगों की तो पार्टी में पहचान और पूछ बन जाती है, लेकिन जो ग्रास रूट पर काम करने वाला वर्कर है उसकी पहचान जो है वो छिपी रह जाती है। उसको अपने काम करने में दिक्कत आती है और होता है पार्टी के नेताओं से मिलने में, कल को जब पार्टी की सरकार होती है, मंत्री एमएलए से मिलने के लिए, चीफ मिनिस्टर से मिलने के लिए, कई किस्म की उनको अपने काम करवाने के लिए प्रॉब्लम्स आती है, जबकि सही मायने में वो लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी को या किसी भी पार्टी को मजबूत करते हैं। तो हमारा ये रहेगा कि हम बूथों पर जाएंगे, बूथ की कमेटियाँ बनाएंगे, 4-5 आदमी हर बूथ पर बनाए जाएंगे और उनको आई कार्ड इशू किए जाएंगे प्रदेश कांग्रेस की तरफ से, और वो जो बूथ के लोग होंगे वो डायरेक्टली प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो हमारी होगी उसके साथ उनका रास्ता रहेगा। उनकी कोई समस्या है, कोई वो है, तो वो अपनी बात जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी से रख सकते हैं। प्रदेश की जयराम सरकार पूरी तरह से असफल साबित हुई है। विकास कार्य ठप पड़े हैं तथा सड़क गड्ढों का रूप धारण कर चुकी है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 118 को हिमाचल में हटाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका कांग्रेस हर स्तर पर विरोध करेगी। कुटियाला ने कहा कि हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में बूथ मैनेजमेंट में कई कमियां पाई गई हैं, जिन्हें भविष्य में दूर किया जाएगा। और ज्यादा नहीं बोलते हुए सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगा, अभी जिस तरीके से एक इशू काफ़ी उभर कर आ रहा है कि कुछ लोगों ने, कुछ जो हमारे लीडर्स हैं कुछ पार्टीज़ के, उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया है कि हिमाचल में जो है वो सेक्शन 118 को हटाने की बात जो है करनी शुरू कर। उस बारे में मैं कहूँगा कि 370-35A जो है एक अलग चीज़ है, वो कश्मीर का इशू है, वो कश्मीर के साथ सेटल होगा, जो पार्टी की हमारी लाइन होगी उस पर वो काम करेंगे।
लेकिन जहां तक हिमाचल में 118 हटाने का मतलब है, उसका मतलब ये हो जाएगा कि जो हम हिमाचल के लोग हैं, जो हिमाचल का एग्रीकल्चरिस्ट है, हम कोई बड़े धनाढ्य लोग नहीं हैं। आज जो ज़मीन की कीमत हज़ारों और लाखों में है, अगर 118 हटता है तो वो ज़मीन की जो कीमतें हैं वो करोड़ों में पहुँच जाएंगी, और हमारे हाथ से हमारी ज़मीनें निकल कर जो है इधर उधर के जो प्रदेश के लोग हैं, जो धनाढ्य लोग हैं, दिल्ली है, पंजाब है, चंडीगढ़ है, हरियाणा है, और इधर उधर के लोग हैं, अगर यहाँ आएंगे और वो यहाँ पर ज़मीनें खरीदते हैं, और इस एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जो हिमाचल का आदमी है, जो हिमाचल का एग्रीकल्चरिस्ट है, वो तो सेकेंड क्लास सिटीजन बनकर रह जाएगा, और वो लोग जो है हिमाचल पर काबिज हो जाएंगे। तो हमने जो है एक हमारे प्रदेश अध्यक्ष द्वारा, पार्टी द्वारा एक सेव हिमाचल जो है उसको लॉन्च किया गया है, जिसमें हमारा मेन मुद्दा जो है वो 118 की लड़ाई लड़ने का है। हम चाहेंगे, विधानसभा में भी अभी 70 लगने वाला है, उसमें भी अपने नेताओं के माध्यम से इस पे जो है चीफ मिनिस्टर साहब से जवाब तक मांगा जाएगा कि उनका 118 पर क्या कहना है, वो 118 पर क्या है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि इस दौरान पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया ज्वालामुखी के पर्यवेक्षक, दीपक शर्मा, चेतन लखनपाल, सुमन भारती, रामचंद्र पठानिया, होशियार सिंह, रतन डोगरा, अजय शर्मा, अंशुल शर्मा सहित कई अन्य कांग्रेसी मौजूद रहे।